संयुक्त किसान मोर्चे ने बैठक की थी जी प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान तो बाद की बैठक के फैसले ले गए पहले जिस तरह MSP की गरंटी तो कानून की गल करते वो हाले मुद्दा बिचे ही है उदों तक कोई भी चर्चा नहीं हुई। 665 तो वध किसान साड़ियां औरतां ते मर्द शहीद होए आ किसान वीर उन्हां नूं मुआवजे की गल की गई है कि मुआवजा भी दिता जाए परचे भी सारे जिहड़े आ किसानां ते नौजवानां ते रद्द किए जाण। 27 नवंबर नूं मोर्चे वालों एक मीटिंग रख ली गई आ किसी तरह की मोर्चे वालों कोई तब्दीली नहीं जो सारियां क्लीयर नहीं हो जांदियां तां मोर्चा छड्डन का कोई साडा मतलब नहीं बनता। असीं तां उन्हां नूं कहिंदे वी बार्डरां ते आ जाओ जदों मर्जी मिल लो असीं मीटिंग करन वास्ते तैयार हां। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे के वालों बैठक की गई है की कुछ ऐलान हुए ने उन्हां दा जिक्र करांगे और दूजी गल की हुण किसान वापस जल्दी परत जाणगे इन्हां सवालों का जवाब भी लवांगे। जंगवीर सिंह चौहान साडे नाल है। संयुक्त किसान मोर्चे ने बैठक की है जी प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान तो बाद की बैठक के फैसले ले गए पहले वो दसो। देखो इस तरह से काफ़ी मुद्दे हाले तक साडे पेंडिंग रह गए हैं जिस तरह MSP की गरंटी तो कानून की गल करते वो हाले मुद्दा बिचे ही है उदों तक कोई भी चर्चा नहीं हुई जब तक प्रधानमंत्री जी ने कोई फैसला ठोस लिया नहीं है। बिजली बिल 220 की गल करते हैं वह भी आर्डीनेंस वाले कितना कितने बिचे ही पेंडिंग पिया आ और पोल्यूशन का साडा मुद्दा सगा और पोल्यूशन के मुद्दे पर हाले तक कोई प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आया। नाल दी नाल जिन्ने साडे 665 तो वध किसान साड़ियां औरतां ते मर्द शहीद होए आ किसान वीर उन्हां नूं मुआवजे की गल की गई है कि मुआवजा भी दिता जाए और इस अंदोलन के चलदियां जिन्ने किसानां ते नौजवानां ते जिस तरह 26 जनवरी नूं दिल्ली नूं गए सी और उन्हां ते एक परचे होए आ जिस तरह पहलां तो अंदोलन चलिया 12 महीने तो सानूं तकरीबन इन्हां बार्डरां ते बैठिया हो गया। इस तो पहलां 2 महीने पंजाब दे विच रेल गड्डियां रोकियां ते टोल प्लाजियां ते बैठे वह भी सारे परचियां नूं देखदे हुए पे परचे भी सारे जिहड़े आ किसानां ते नौजवानां ते रद्द किए जाण। ये साडियां हाले तक मंगा जिहड़ियां पेंडिंग रहिंदियां इस करके अज मोर्चे ने फैसला किया आ कि जिहड़ा 29 तरीक का साडा प्रोग्राम आ उहनूं किसे तरह की भी कोई ढिल नहीं दित्ती गई कि असीं हाले तक प्रधानमंत्री जी के होर फैसले देखते हैं होर दरियादिली किन्नी क दिखाउंदे आ क्योंकि हुण तां मसले एवें छोटे छोटे रह गए। 3 बिलां की गल सी उन्होंने अपील कर दिते उन्हों का असीं स्वागत किया बहुत वधिया किया देर आए दुरुस्त आए कोई गल नहीं देर ना होया पर जे कितें पहलां हो जाता तो जिहड़े साडे 665 तो वध शहीद हो गए किसान उन्हां दी कितें ना कितें जान बच जांदी उन्हां दे परिवारां नूं कितें ना कितें पूरी जिंदगी रोणा ना पैंदा क्योंकि जिस परिवार का कोई भरा भैण जां कोई मुख जिहड़ा आ घर का मैंबर चलिया जांदा तो वह घाट कदी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। चलो कोई गल नहीं है मोर्चे जदों लगदे इहदे विच शहीदियां भी हुंदियां तां ही इह मोर्चे कामयाब हुंदे शहीदियां दे के भी मोर्चे कामयाब हो जाण तां कितें ना कितें साडी पग दी शान साडे पंजाब दी पूरी कौम की जी कितने ना कि जी इज्जत बचती है। कुछ ऐलान जोड़े 29 तो पहला भी किए गए थे कि उस तरह रखे गए हैं या फिर 29 जो सैशन शुरू होना है उस समय जो जथिया ने जाना गा उ ही शुरुआत होगी। हम देखो जो 22 तरीक का सी साडा लखनऊ दे विच एक महा किसान सभा सी रखी गई सी वो तो उस तरह रखी गई है वो तो करांगे पूरी जोर शोर नाल करांगे। 26 तरीक नूं मोर्चा भरन दीआं साडीआं तैयारियां सी पिंडां तों सनेहे ला दिते गए आ पूरे भारत के लोग मोर्चों पर पहुँचे वक् वक् वार्डरों पर मोर्चों में चंगी तरह असी भरांगे दोबारा एक साल हो जाना सानू मोर्चों पर बैठे दोबारा जी गिणती वधावे असी उस तो बाद 29 की जी कॉल सी बारे हाले तक वो फैसला ज्यों दा त्यों ही खड़ा आ कि वेद कोई तब्दीली नहीं की गई और 27 नवंबर में मोर्चे वालों एक मीटिंग रख ली गई आ कि दोबारा SKM की मीटिंग करांगे कि नवीं तब्दीलियां की कीतियां साडे प्रधानमंत्री जी ने फिर उन्होंने बचारांगे तो फिर 27 की मीटिंग करके फिर जिहड़ा अगला कोई ना कोई प्रोग्राम देवांगे। तुसीं बहुत सारी गल्लां साफ कर दित्तियां अपनी अगली रणनीति नूं लैके पर जिहड़े किसान पंजाब च बैठे है या होर थावां ते जिन्हां च हाले भी भंबल भूसा आ कि हुण वापस किसान मुड़ आउणगे या हाले उत्थे ही बैठना या असीं जाइए उत्थे या ना जाइए उन्हां दे लई किस तरह तुसीं सुनेहा दिओगे उन्हां दे लई की अगे आदेश जिहड़ा उह संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों। देखो उन्हां नूं साडे मोर्चे वल्लों इह सुनेहा आ किसी तरह की ढिल करन की कोई लोड़ नहीं जिन्ना चिर साढ़े 3 बिल पार्लीमेंट जिस तरह इन्हों लागू किया उस तरह पार्लीमेंट रद्द नहीं हो जाते साडियां जिहड़ियां बाकी मंगा है वो मन नहीं हो जांदियां किसी तरह की मोर्चे वालों कोई तब्दीली नहीं अपने पिंडां दे विचों ट्रालियां भर भर के किसानां दीआं जिहड़ियां इन्हां मोर्चियां ते पहुँचो इन्हां दी गिणती वधाओ कोई डरन की लोड़ नहीं घबराउण की लोड़ नहीं तकरीबन अद्ध तो वध असीं मोर्चा जित चुके हाँ प्रधानमंत्री जी ने फैसला वधिया किया पर आस करदे हाँ कि जिहड़ियां साडियां मंगा होर भी रहिंदियां
वह भी जिहड़ा उन्हां ते भी गौर करके उन्हां भी लागू करनगे, उन्हां भी जिहड़े भी आर्डीनेंस रहिंदे आ जां कानून हैगे उन्हां भी रद्द करनगे, MSP ते गरंटी भी देणगे, तां जो जिहड़ा असीं अपना मोर्चा छड्डांगे उस तों अदरवाइज़ असीं अपने मोर्चिआं ते बैठे रहांगे। जी होर दसो कि लगातार जी गल कही जा रही कि प्रधानमंत्री तो ऐलान कर चुके हैं एक रुतबा एक अहुदा उन्हों का बहुत व्डा आ और अहदे के उत्ते जोड़ा भी बयान दिता जाता गा उन्होंने बड़ा भरोसेयोग मनिया जाता, फिर क्यों आम किसान और जे किसान आगू की उन्हों की गल करिए तो क्यों नहीं मन पा रहे उन्हों की भरोसेयोगता क्यों नहीं समझ पा रहे गे की चीज़ा हुई प्रधानमंत्री तो अजिंह जिसे भरोसा नहीं भरोसा करना जोड़ा वो सिखाला नहीं रह गया बहुत औखा लग रहा तू लिखती दे मंग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई गल नहीं क्योंकि जो चोन मैनीफेस्टो जारी होंगे उदो तो जुमले देंदे उदो प्रधानमंत्री नहीं सी तो उदो वक्त जुमले समझते हूँ तो प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर बैठे मोदी साहब हूँ तो विश्वास किया जा सकता कितने ना कि साडा MSP का मुद्दा हाले तक जो काफ़ी जो गंभीर है उत्ते विचार करना क्योंकि MSP का पूरे देश का मसला है पूरे भारत का मसला है तो होर जिहड़ियां मंगां जिस तरह है जिन्ना चिर वह सारियां क्लीयर नहीं हो जांदियां तां मोर्चा छड्डन का कोई साडा मतलब नहीं बनता। जिथे एक साल बीत गया जां सानू दो महीने पंजाब दे विच बीत गए तो होर कितने एक दो महीने ना सानू कोई फर्क नहीं पैना, इस करके असी सबर ते संतोख नाल बैठे हाँ और कोई भी किसी तरह की घबराहट नहीं, सानू भरोसा आ प्रधानमंत्री जी ते कि जे जेकर जिंदगी दे विच उन्होंने कोई बिल वापस नहीं लिया सी तां किसानी अंदोलन देखदिया इन्हों का जज्बे देखदिया अज जन अंदोलन बन गया सी, जे उन्हां दी उन्होंने गल मान ली है तो कितने ना कितने जो थोड़ा बहुत मसले उन्होंने भी हल कर देंगे। MSP दे तत्तो फट्टी हल चाहुंदे हो या फिर कोई कमेटी जेकर सरकार कहिंदी बना दें थोड़े समय तक इहदा कोई ना कोई आपां हल कढ लवांगे या पूर्ण तौर पर कह देंगे कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद इहदे ते आपां पूरी गरंटी जिहड़ी है कानून बना देंगे तो फिर भी तुसीं मसले का हल समझोगे और वापस मुड़ना। देखो ये की उधरों प्रपोजल आँदी हाले तक तो कुछ आया ही नहीं, कमेटी बनाने ते आया ना MSP ते कोई आया उधरों की आता फिर उस बारे विचारांगे 27 नूं मीटिंग तदी रखी गई है फिर वो मसले नूं विचार के जिहड़ा फैसला लवांगे कोई एक जथेबंदी फैसला नहीं ले सकदी। राह दा गलबात जिहड़ा गलबात दा राह कोई खोलिया कुछ अगे पहल करन जा रहे तुसीं करन जा रहे हो या सरकार नूं डीकोंगे कि वह कहण ते उस तों बाद फिर उन्हां नाल मीटिंग रखी है। देखो असीं तां तैयार ही बैठे हाँ सुनेहा सरकार ने भेजना, जेकर साडा भेजना हुंदा असीं तां उन्हां नूं कहिंदे वी बार्डरां ते आ जाओ जदों मर्जी मिल लो असीं मीटिंग करन वास्ते तैयार हाँ, वो सुनेहा उन्होंने भेजना जदों मर्जी भेज सकते मीटिंग करनी जरूरी आ, वैसे जिहड़े मुद्दे रह गए उन्होंने विचार लिया जाए छेती तो छेती संघर्ष जिहड़ा खत्म किया जा सके। बिल्कुल इन्हें किसान आगू जंगवीर सिंह चौहान जिन्हां दे वल्लों बहुत सारिया चीज़ा साफ कर दित्तियां गईयां, अज संयुक्त किसान मोर्चे ने जिहड़े फैसले लए ने तरीकां दा ऐलान कर दिता गया क्योंकि 29 नूं कॉल दित्ती गई सी कि 500 दा जथा 500 किसान जदों सैशन शुरू होना तो उस पासे वल जाणगे फिर उत्थे जाके वो उत्थे बैठिया करनगे और उस तों बाद अगले दिन फिर दूसरा जथा जिहड़ा 500 किसानां दा वो जाएगा और वो उत्थे जाके यंत्र मंत्र दे उत्ते जिहड़ा धरना लगाएगा और जिन्नी देर तक इस मसले का हल नहीं हुंदा इस तरह ऐलान जिहड़ा बरकरार रख्या गया। उस तो पहला कुछ चीज़ा सीगियां जिस तरह लखनऊ की रैली का इन्होंने जिक्र किया, लखनऊ वाली रैली भी उस तरह की जाऊगी, उस तो अलावा कुछ होर चीज़ा सीगियां तो वह फिलहाल टाल दित्तियां गई हैं। हालांकि जदों 27 तरीक नूं दोबारा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होनी है तो उस दे विच फैसले जिहड़े ने पूर्ण तौर दे उत्ते लए जाणगे कि सरकार नाल किहड़े मसले दे उत्ते गल करनी है। इन्हां ने MSP की गरंटी की गल की है, इन्हां ने खेती कानून रद्द होने वाला नोटिफिकेशन की गल की है, इस तों अलावा पराली ते नाल दी नाल बिजली संशोधन जिहड़ा बिल सीगा उहदे पूर्ण तौर दे उत्ते जिन्नी देर तक मसले हल नहीं हुंदे उन्नी देर तक किसान कहिंदे आ कि असीं इत्थे ही डटे रहांगे। हुण वेखणा इह होएगा कि इह किसान मोर्चा किन्ना होर लंबा चलदा है। कैमरामैन शशिपाल दे नाल मैं जतिंदर सिंह सिंघू बॉर्डर FYI मीडिया। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।